नमस्कार, मैं संजय सनम। आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज़। होली, अब की होली कैसे हो, होली पार्ट टू में आपका स्वागत है। दोस्तों, 26 फरवरी और 1 मार्च का दिन एक बार फिर जहन में ले आइए। 26 फरवरी को हमारे वायु सेना के जाबाज कमांडरों ने पाकिस्तान की सीमा में घुस करके एयर स्ट्राइक करके सैकड़ों आतंकवादियों को मौत की नींद सुला दिया। सिर्फ मौत की नींद नहीं थी, क्योंकि जो मानवीयता के दुश्मन थे उन्हें उनकी औकात बता दी कि हम जब अपनी हद से आगे बढ़ जाते हैं तब फिर हम क्या कर जाते हैं। 27 फरवरी को हमारे एक जाबाज विंग कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तान की घुसपैठ यानी F-16 के विमान को का पीछा करते हुए MiG-21 यानी 7 दशक पुराने विमान से, 70 साल पुराने विमान से F-16 के आधुनिक विमान को मार गिराया। लेकिन संयोग था, हवा का बहाव उधर था, वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में उनका MiG-21 क्रैश हो गया। उन्हें वहां पैराशूट से वो उतरे और उन्हें तब पता चला जब वो पाकिस्तान के सैनिकों से घिर गए थे, पाकिस्तान के लोगों से घिर गए थे। लेकिन उस जाबाज विंग कमांडर ने अपनी चौड़ी छाती, अपना गर्व, अपना सम्मान, अपने देश की शान, तिरंगे की आन को दुश्मन की सीमा में घुस करके भी बताया और दुश्मन को चेता दिया कि भारत की सेना का जाबाज कैसा हुआ करता है। 2 दिन के बाद जब विंग कमांडर अभिनंदन हमारे देश वापस आए, हमारी होली तो उस दिन मन गई थी। हमारी एक होली तो 26 फरवरी को मनी थी जब हमारे जाबाज एयर कमांडर ने अपने फाइटर जेट से आतंकवादियों के खून से दुश्मन की धरा को लाल कर दिया था। अब की होली कैसी हो, मैं अपने मन की बात आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। अब की होली न रंग हो न गुलाल हो, अब की होली न रंग हो न गुलाल हो, न फूल हो न पराग हो। अब की होली दुश्मन के सीने पर मुष्टि प्रहार हो, अब की होली न रंग हो न गुलाल हो, न फूल हो न पराग हो। क्या हो फिर, अब की होली दुश्मन के सीने पर चंग बजाया जाए, कि दुश्मन के सीने पर चंग बजाया जाए और आतंकी नरमुंडों का ठप बनाया जाए, शहीदों की शहादतों का बदला चुकाया जाए और भारत की सीमाओं को आगे बढ़ाया जाए, कराची लाहौर इस्लामाबाद में तिरंगा फहराया जाए। अब की होली कि आतंकी नस्लों की इस जहां से विदाई हो और भारत में छिपे गद्दारों की भारत से सफाई हो, कि भारत में छिपे गद्दारों की भारत से सफाई हो। अब की होली पिचकारियों में रंग नहीं मिसाइलों से गोले बरसे, कि पिचकारियों से रंग नहीं मिसाइलों से गोले बरसे, बदमिजाज साहिल घुटनों के बल बैठकर हमसे जीवन रक्षा के लिए तरसे। अब की होली भाईचारे का संदेश नहीं दुश्मन को आदेश हो और मां भारती की गर्जना में साक्षात महेस हो। अब भी जो न समझे उनकी औकात बताई जाए और पाक परस्त गद्दारों को
लाल किले पर लटकाया जाए। अब भी जो न समझे उनकी औकात बताई जाए, और पाक परस्त गद्दारों को लाल किले पर लटकाया जाए कि सेना पर जो घात करे उसे तुरंत उड़ाया जाए। सेना पर जो घात करे उसे तुरंत उड़ाया जाए। और कश्मीर के पत्थरबाजों को अदब सबक सिखाया जाए। सेना से जो सबूत मांगे अब की बार उन्हें वहां ले जाया जाए। और स्ट्राइक करने के बाद छोड़कर आ जाया जाए। वहां पर गिनती कर ले कि 70 साल पुराने नाशूर को अब तो मिटाया जाए। धारा 370 से 35A का पेरा हटाया जाए। अब की होली न रंग हो न गुलाल हो न फूल हो न पराग हो, दुश्मन के सीने पर मुष्टि प्रहार हो। दुश्मन के सीने पर मुष्टि प्रहार हो कि दुश्मन के सीने पर चंग बजाया जाए। और आतंकी नरमुंडों का ढप बनाया जाए। आतंकी नरमुंडों का ढप बनाया जाए। अब भी जो न समझे उनकी औकात बताई जाए, और पाक परस्त गद्दारों को लाल किले पर लटकाया जाए। पाक परस्त गद्दारों को लाल किले पर लटकाया जाए। दोस्तों, होली पर बात तो मैंने कह दी, लेकिन मुझे लगता है अगर मैं जाबाज विंग कमांडर अभिनंदन की बात न करूं, 4-6 पंक्तियों में अगर मैं वो बात न कहूं, और पाकिस्तान को उस वक्त मैंने चेतावनी लिखी थी, अगर मैं आपसे वो बात न करूं तो मुझे लगता है कि मेरी होली की ये कविता अधूरी रह जाएगी। जब पुलवामा कांड हुआ था, उस वक्त मेरे कवि मन ने पाकिस्तान को चेतावनी लिखी थी, और तब मैंने लिखा था कि तेरी बर्बादी के मंजर होंगे, कि तेरी बर्बादी के मंजर होंगे, तेरे सीने पर हमारे खंजर होंगे, तेरे सीने पर हमारे खंजर होंगे, अरे धरा तेरी तेरे लहू से लाल होगी। धरा तेरी यानी तेरी जमीन तेरे लहू से लाल होगी। धरा तेरी तेरे लहू से लाल होगी जिस दिन हमारा लश्कर निकलेगा। सुन ले पाकिस्तान, वो तेरी आखिरी रात होगी। और हमने 26 तारीख को एक ट्रेलर दिखा दिया था कि जिस दिन हमारा लश्कर निकलेगा, सुन ले पाकिस्तान, वो तेरी आखिरी रात होगी। कि दिन का सूरज भी छिप जाएगा, कि दिन का सूरज भी छिप जाएगा, तोपों की वो गड़गड़ाहट होगी, और आसमां बारूद से भर जाएगा। घनघोर गोलों की बरसात होगी, चुन चुन कर पकड़ेंगे और पटक पटक कर मारेंगे, चुन चुन कर पकड़ेंगे, पटक पटक कर मारेंगे। हम जो तेरे घर में घुसे तेरी वो कयामत की रात होगी। हम जो तेरे घर घुसे तेरी वो कयामत की रात होगी। कुछ पंक्तियां और देखिए। हमारे यहां उस वक्त कहा गया था हाई जोश, जोश हाई, तब मैंने लिखा था कि इधर जोश था उधर जेश था, इधर जोश था उधर जेश था, इधर जोश था उधर जेश था, इधर देश था उधर क्लेश था, इधर देश था उधर क्लेश था, हिंद की जमी से ये स्पष्ट संदेश था। हम जब तक घर के अंदर थे तब तक तू शेष था, हम जब तक घर के अंदर थे तब तक तू शेष था, हम जो घर से निकल गए तो फिर बचा तेरा अवशेष था। इधर जेश इधर जोश था उधर जेश था, इधर जोश था उधर जेश था, हम जब तक घर के अंदर थे तब तक वो शेष था, और हम जो घर से निकले 26 फरवरी की रात को तब उसके अवशेष फिर सामने आ गए।
हमने तब वो लिखा था। और जब हमारा अभिनंदन दुश्मन के घर में रह करके और बड़े शान और सम्मान के साथ, मैं ये कहूं कि दुश्मन की छाती पर तिरंगा गाड़ करके आया, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तब मैंने कुछ पंक्तियां लिखी, वो आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि दुश्मन के घर में भी जो शेर की तरह दहाड़ा है, हिमालय सा अटल रहा वो वीर हमारा है। कि दुश्मन के घर में भी जो शेर की तरह दहाड़ा है, हिमालय सा अटल रहा वो वीर हमारा है। अरे शत्रु के घर में घुसकर जिसने शत्रु को मारा है, 7 दशक पुराने मिक्स से F-16 का हुलिया बिगाड़ा है, और पाक के सीने पर जिसने भारत का झंडा गाड़ा है, मां भारती के भाल का चंदन, मां भारती के भाल का चंदन, महावीर के कुल का वंदन, वो अभिनंदन हमारा है, वो अभिनंदन हमारा है, वो अभिनंदन हमारा है। हम अपने जाबाज अभिनंदन और हमारी सेना का हर सैनिक, चाहे वो वायु सैनिक हो, चाहे वो थल सैनिक हो, चाहे वो जल सैनिक हो, चाहे हमारे पैरामिलिट्री कमांडो फोर्सेस हो, CRPF हो, जो भी हो, ये सब हमारे शेर हैं, ये सब हमारे वो जाबाज हैं जिन्हें हम सलाम करते हैं, जिन्हें हम वंदन करते हैं। बहुत बहुत आभार, नमस्कार मेरे व्यूअर्स, मेरे दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर देश प्रेम से रची बसी ये रचना अगर आपको पसंद आए, आपको लगे कि हाँ शेयर की जानी चाहिए, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा।